रीमेक पे रीमेक, रीमेक पे रीमेक भाई। बॉलीवुड वालों आप करना क्या चाहते हो, साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड में कन्वर्ट करना चाहते हो या चाहते क्या हो भाई आप, हमें ये तो बता दो। तो फाइनल गाइस आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक ऑफिशियल ट्रेलर रिव्यू लेकर के, जो कि बहुत बड़ा रीमेक है हमारे साउथ इंडस्ट्री का, हमारे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मूवी आला वैकंटम पुरम का शहजादे के रूप में बॉलीवुड निकालना चाहता है, निकाल दिया है। मूवी आने वाली है शहजादा, जिसमें हमारे कार्तिक आर्यन काम कर रहे हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कार्तिक आर्यन आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, आप एक अच्छे स्टार हो, आपकी भूल भुलैया जब आई थी, भूल भुलैया टू आई थी, जब हमें लगा था कि आपने पंगा ले लिया अक्षय कुमार से, पर फिर भी आपकी जो भूल भुलैया टू थी उसने सारे थिएटर्स का हाउसफुल कर दिया। तो भाई फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और एक ये वरुण धवन के भाई रोहित धवन एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना चाह रहे हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? आप कुछ ना कुछ तो छोड़ दो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर, अपनी एक अपनी ओरिजिनल कोई कोई ना कोई तो कहानी होगी आपके पास, ओरिजिनल अपनी स्टोरी कोई है या नहीं है? सारी की सारी आप इससे साउथ इंडस्ट्री से उठा करके बॉलीवुड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये करना क्या चाह रहे हो आप? या तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद कर दो अगर आपके पास कोई अपनी जेन्युइन स्टोरी नहीं है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे इसमें कार्तिक आर्यन ने, कार्तिक आर्यन पता नहीं क्यों ऐसे डायरेक्टर्स के उसमें आ जाते हैं, बातों में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। भाई आप एक अच्छे सुपरस्टार हो तो आप रीमेक पे क्यों काम कर रहे हो? एक अपनी अच्छी स्टोरी पे काम करो ना, कोई ये नई स्टोरी निकाल के दे तो आप उस पे काम करो। ये क्या हो गया, अल्लू अर्जुन है, हमने उनकी ये आला वैकंटपुरम मूवी देख ली है, वो तो एक सुपरस्टार है, इतनी बिल्कुल बहुत यूनिक एक्टिंग करते हैं वो, और एक अलग ही उनका एक फेस वैल्यू बहुत अलग है, वो सुपरस्टार है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कार्तिक आर्यन आप भी भाई कोई कम नहीं हो, पर कम से कम भाई इसको तो छोड़ दो, रीमेक तो आप मत बनाओ भाई। चलो ठीक है, कोई भूल भुलैया है उसमें भूल भुलैया टू आ गई, आपकी बिल्कुल स्टोरी अलग थी उसमें, बहुत अच्छी लगी हमें, हाँ थिएटर भी फुल रहे, हाउसफुल रहा सभी का, पर भाई ऐसा मत करो। ये क्या करा रहे हैं आपसे, ये रोहित धवन क्या, ये रोहित धवन ये करवाना क्या चाहता है आपसे? इसके पास कोई भी अपनी यूनिक स्टोरी नहीं है? अगर नहीं है तो भाई चुप बैठ जा अपने घर में जा करके, पर तुम जैसे एक्टरों की तो ये धज्जी ना उड़वाए। अब ये जो आला वैकंटम पुरम मूवी है साउथ इंडस्ट्री की हमें देख ली, तो भाई क्यों आपकी इस रिमेक को देखेंगे जिसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है? ये सारी की सारी डिट्टो ऐसी के ऐसी उतार दिए मूवी, और हमारे जो रोहित धवन साहब है उन्होंने एक भी चेंजिंग अगर इसमें की हो तो हम इसको भी देखें, इसमें कोई स्टोरी में चेंजिंग की हो भाई, ये तो बिल्कुल कॉपी कर दी उसकी आला वैकंटम पुरम मूवी की। तो आपके जो फैन है वो भी इसका जो बेसब्री से इंतजार करते वो भी अब नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देख ली है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कार्तिक आर्यन आप इनको छोड़ो, इनके पास अगर कोई यूनिक स्टोरी है तो आप उस पर काम करो, आप अपनी क्यों धज्जियां उड़वा रहे हो? तो गाइस अगर आपको ये रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो कार्तिक आर्यन है वो भी थोड़ा सोच सके कि मुझे एक यूनिक स्टोरी पे काम करना चाहिए। तब तक के लिए जय जय भारत, थैंक यू।